हिमाचल में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा राजनाथ और योगी की भी होंगी रैलियां। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होंगी। इन रैलियों की तारीखें जल्द तय की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होंगी। इन रैलियों की तारीखें जल्द से जल्द तय की जाएगी। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इन रैलियों और अन्य चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा आदि नेताओं ने भाग लिया। बैठक में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा की जनसभाएं करवाने के बारे में भी मंथन हुआ। इसमें तय हुआ कि प्रदेश में युवा मोर्चा की ओर बड़ी रैली होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा। इसके लिए उनसे जल्द समय मांगा जाएगा। पहले रैली स्थल सुजानपुर में तय हुआ था, अब इसे यहां से किसी अन्य जगह बदला जा सकता है। वैन चलेगी, एलईडी में प्रदर्शित होगी सरकार की उपलब्धियां। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक वैन चलेगी, इसमें एलईडी लगाई जाएगी, जिसमें जयराम सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर के चार कांग्रेस नेताओं को भाजपा में मिलाने पर चर्चा। बैठक में हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के चार नेताओं को भाजपा में मिलाने के बारे में भी चर्चा हुई। इनमें एक कांग्रेस के सिटिंग विधायक और एक पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे नेता के भाजपा में आने की संभावना पर मंत्रणा हुई। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होंगी। इन रैलियों की तारीखें जल्द से जल्द तय की जाएंगी। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इन रैलियों और अन्य चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदान सिंह, सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा आदि नेताओं ने भाग लिया। बैठक में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा की जनसभाएं करवाने के बारे में भी मंथन हुआ। इसमें तय हुआ कि प्रदेश में युवा मोर्चा की ओर बड़ी रैली होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा। इसके लिए उनसे जल्द समय मांगा जाएगा। पहले रैली स्थल सुजानपुर में तय हुआ था, अब इसे यहां से किसी अन्य जगह बदला जा सकता है। वैन चलेगी, एलईडी में प्रदर्शित होगी सरकार की उपलब्धियां। हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक वैन चलेगी, इसमें एलईडी लगाई जाएगी, जिसमें जयराम सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर के चार कांग्रेस नेताओं को भाजपा में मिलाने पर चर्चा। बैठक में हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के चार नेताओं को भाजपा में मिलाने के बारे में भी चर्चा हुई। इनमें एक कांग्रेस के सिटिंग विधायक और एक पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे नेता के भाजपा में आने की संभावना पर मंत्रणा हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।